Hello and welcome to The Quest on Rajya Sabha TV. I'm Rakhee Bakshee. This show gives you a deep insight into the life, career and vision of a leading personality. And that leading personality this time is Mr. K C Tyagi. He's Rajya Sabha MP from Bihar. Welcome to the show, sir. ये राजनीति में आए कैसे आप और क्यों आए? एक्चुअली मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स में एक्टिव था और नॉन कांग्रेसिज्म का दौर था. वो सारे देश में एक आंदोलन चला था, खास तौर से नॉर्थ इंडिया में, अंग्रेजी हटाओ. तो आई एम द प्रोडक्ट ऑफ डॉक्टर लोहियाज अंग्रेजी हटाओ मूवमेंट. नाउ इट इज आई एम स्पीक इन इंग्लिश आल्सो. चलिए, दोनों तरह की बात होती है. तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स के साथ साथ फिर हम लोग जयप्रकाश नारायण जी का मूवमेंट चला 74 में अगेंस्ट करप्शन, उसी में मैं एक वॉलंटियर के नाते मैं जेल चला गया. आई रिमेंड इन द जेल फॉर सेवरल मंथ. उसके बाद फिर मैं आया तो मैं चौधरी चरण सिंह जी के साथ जुड़ गया. वो उस राजनीति और उस दौर की आप बात कर रहे हैं जहाँ के मूल्यों की राजनीति होती है. आज जो हम राजनीति का दौर देख रहे हैं, आप कैसे देखते हैं जब भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा बनकर सामने है? अभी अभी आप बात कर रहे थे हम कोलगेट का जो मसला है वो सामने है, तो किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, 47 से पहले ये राष्ट्रभक्ति थी, उसके बाद 47 के बाद ये काफ़ी लंबे समय तक देश सेवा भी रही, उसके बाद ये समाज सेवा में भी थोड़े दिन तब्दीली में रही, उसके बाद ये व्यक्ति सेवा में बदल गई, और पिछले 20 साल से ये इकोनॉमिक्स है, कॉमर्स है, अभी राजनीति नहीं. तो कैसे आपकी पार्टी जो कि अब बिहार में और कहीं ना कहीं राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी बात काफ़ी ऊंचा रखने की कोशिश करी, इस चीज़ को, इस राजनीति, मूल्यों की राजनीति को आगे लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करी? देखिए, इस समय जो है, जो राजनीति है वो पटरी से उतरी हुई है ऐसा करके हम मानते हैं. जिन इश्यूज़ को, जिन वैल्यूज़ को, जिन आइडियाज़ को लेकर के हम चले थे, अब हमारी अपनी कतारें जो सोशलिस्ट मूवमेंट की हैं उनमें कई लोगों पर धब्बे लग गए. हमारे मित्र और साथी हैं लालू जी, दुर्भाग्य से वो आज जेल में हैं. हमारे कितना बड़ा टर्निंग पॉइंट आप मानते हैं इसको जब लालू जी अब जेल जाते हैं? ये बहुत बड़ी घटना है. जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से जो फौज तैयार हुई थी वो भ्रष्टाचार विरोध की फौज थी, उसका एक भी साथी दुर्भाग्यपूर्ण, मैं मानता हूँ, मेरे को बहुत प्रसन्न नहीं उनके जेल जाने पर, आपकी पार्टी, हाँ, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि उनको जेल जाना पड़ा. तो जो एक एक पूरी पूरा सिस्टम था, एक पूरी पॉलिटिक्स थी, एक पूरा संदेश था कि हम इस तरह का देश बनाना चाहते हैं, ये लोग हैं. लालू जी 19 महीने जेल में रहे थे और अब वो एक भ्रष्टाचार के मामले. अब बिहार पर जिनकी नज़र है, जिस तरह से हम बिहार की राजनीति को देख रहे हैं, क्या बदलाव देखने में आएगा? आपकी पार्टी सरकार भी है, आप वहाँ किस तरह से एक अलायंस की तरफ देख रही है? लोग कहते हैं कि केंद्र से अब आपकी नज़दीकी है तो कांग्रेस से सांसद. देखिए, ये तो सब पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है. एक तो मैं आपको बताऊं कि पिछले 8 सालों में, तब एनडीए था तब भी और अब भी, मैं उसमें कोई राजनीतिक चालबाजी नहीं दिखाना चाहता, वहाँ की सरकार ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में जनता को आस जगाई, सड़कें बनी हैं, वहाँ पे अस्पतालों में बच्चों को दवाई मिलनी शुरू हुई है, शिक्षा का, जनता का शिक्षा में यकीन बढ़ा है, कई हजार लड़कियाँ सुबह साइकिल जो नीतीश कुमार की सरकार ने दी हैं उसमें गरीब घरों की बच्चियाँ बैठ बैठ के स्कूल जा रहे हैं. देयर इज ए लॉन्ग क्यू ऑफ द साइकिल. बट उसी सरकार के तहत छपरा में मिड डे मील स्कीम की ऐसी दुर्घटना होती है जहाँ कई बच्चे, कल रिपोर्ट आ गई है, जो प्रिंसिपल साहिबा थी उनके पति दोनों को बच्चों को जहरीला पदार्थ देने के मामले में पुलिस ने जो है वो कोर्ट में, काफी लगता है क्योंकि कई लोग ये मान रहे थे कि काफी मुखर होंगे, मुख्यमंत्री खुद बहुत एक्टिव नजर आएंगे. कई लोगों को निराशा हुई कि शायद जो सरकार के और मुख्यमंत्री के तौर पर जो करना चाहिए. ऐसा है, जिस दिन से हम बीजेपी से अलग हुए हैं शायद सारे अवगुण हमें उसी दिन से पैदा हुए. उससे पहले हमारी सरकार बहुत अच्छी थी. जो अपने सुशील मोदी जी हैं उनकी टिप्पणी है कि नीतीश कुमार जी पीएम मेटीरियल, अब वो कह रहे हैं ये किसी भी लायक नहीं है. जो उनके नेता प्रतिपक्ष हैं नंद किशोर यादव जी, वो कहते जब मैं कैबिनेट की मीटिंग में जाता हूं तो मुझको लगता है कि मुख्यमंत्री हर बार एक नए जज्बे के साथ आता, शायद ही देश में कोई ऐसा मुख्यमंत्री हो. असल में ये सारा मामला बिल्कुल ठीक चल रहा था और बिहार की जो बीजेपी है उससे कोई प्रॉब्लम. लेकिन क्या आपको लगता है आप अलग हुए, बहुत सोच समझ कर अलग हुए बीजेपी से, लेकिन क्या अब लगता है कि कहीं
सोच विचार फिर नहीं, होता नहीं, है? नहीं, हम बिल्कुल अलग नहीं हुए, अलग होना भी हम पे थोपा गया है। गोवा का जब सम्मेलन हो रहा था उस समय वो टर्निंग पॉइंट है दोनों के रिश्तों में। हमने कहा था नेता के चुनने में जल्दबाजी मत कीजिए, अभी चुनाव में काफ़ी दिन बाकी हैं, और हमने ये भी सुझाव दिया था कि नेता ऐसा बनाइए देश का अटल बिहारी वाजपेयी जी की तरह से, चूँकि ये मल्टी कास्ट मल्टी रिलीजन मल्टी लैंग्वेज मुल्क है जो सभी वर्गों को साथ लेकर चल सके, और उसमें नेता भी। लेकिन आप कह रहे हैं गोवा टर्निंग पॉइंट था, क्या आपको एहसास नहीं था आप राजनीतिक पार्टियां कि ये आखिर ऐसा कुछ होने ही वाला है? हमें नहीं एहसास था, बीजेपी को भी एहसास नहीं था। सुषमा जी होती, अरुण जी होते, राजनाथ जी होते, कोई और होता तो शायद ये बंटवारा नहीं होता, लेकिन उन्होंने तय कर दिया कुछ लोग। आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं सरप्राइज की तरह आपके सामने है? नहीं, सरप्राइज की तरह से नहीं, जो असल में जब तक आरएसएस का दखल नहीं था उतना, आरएसएस का दखल आइडियोलॉजिकली था। डे टू डे की पॉलिटिक्स में अटल अडवाणी एरा में आरएसएस का डे टू डे की पॉलिटिक्स में दखल नहीं था। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये सब कुछ आरएसएस रिमोट कंट्रोल कर रही? आरएसएस ने ये फैसला थोपा, या फिर शायद आगे बिल्कुल आ रही है आरएसएस का ये थोपा हुआ फैसला, जिसमें अडवाणी जी से लेकर के और सुषमा जी तक, अरुण जी से लेकर के और मुरली मनोहर जोशी तक सभी लोग अचंभित थे। आपको तो पता पार्टी के अंदर क्या उनकी स्थिति थी। तो अगर अहमदाबाद का नेतृत्व पार्टी पर ना थोपा गया होता तो शायद एनडीए से बाहर हम आने वाले नहीं थे। बहुत बड़ी बात कही आपने। राइट नाउ ऑफ कोर्स वी आर टेकिंग अ वेरी शॉर्ट ब्रेक, वी आर टॉकिंग टू जेडीयू लीडर मिस्टर केसी त्यागी। कीप वॉचिंग द क्वेस्ट, वी आर कमिंग बैक शॉर्टली। वेलकम बैक टू द शो, यू वॉचिंग द क्वेस्ट एंड वी आर टॉकिंग टू मिस्टर केसी त्यागी, जेडीयू लीडर। जिस तरह से आप बड़ी बातें अभी कह रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये जो एक बड़ी घटना मानी गई बीजेपी और जेडीयू अलग हुए, पूरे अगर हम अब जब चुनाव में जा रहा है, पूरा देश ही चुनाव में बहुत जल्द जाएगा, किस तरह से राजनीतिक समीकरण बदलेंगे, और क्या लग रहा है आपको कि बिहार में किस तरह से आप अब अपने आप को ऊपर उठाएंगे? कहीं ना कहीं अलग थलग पड़े नजर आ रहे हैं, आपको चुनना होगा कि आपका साथी कौन होगा। ऐसा है कि एक तो ऑल इंडिया लेवल पर जो गैर कांग्रेसवाद था वो कमजोर पड़ा, बल्कि खत्म हो गया। अब से 6 महीने पहले जब अहमदाबाद का नेतृत्व दिल्ली में सक्रिय नहीं था, महंगाई के मुद्दे पर 3 बार भारत बंद हुआ। शरद यादव जी जो हमारे अध्यक्ष हैं वो कन्वीनर थे, उन्होंने सब पार्टियों के लिए 3 बार भारत बंद कराया, नंबर एक। नंबर दो, भ्रष्टाचार के मामले पर सुरेश कलमाड़ी से लेकर के अश्विनी कुमार तक, बंसल से लेकर के और राजा से लेकर के कानी मौजी तक, सारे भ्रष्टाचार के सवाल हम सब लोगों ने इकट्ठे मिलकर लड़ाए। अब 2 महीने में 7 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, कोई बंद हो रहा है क्या? सारी पॉलिटिक्स सांप्रदायिकता और गैर सांप्रदायिकता, जिस केंद्र पर आप उंगली उठा रहे वो केंद्र ही आपको सहायता देने के लिए आगे भी आ रहा है, जहां तक पैकेज की बात है बिहार की। देखिए, वो कोई केंद्र का एहसान नहीं है, ना हम कोई भिक्षा मांग रहे हैं। जो जिन राज्यों के साथ जातियां की गई हैं, जिनको अनुदान देने में केंद्र ने उदारता नहीं दिखाई है, वो राष्ट्रीय औसत से भी कम आय रखे हुए हैं। तो एक हाथ खराब होगा, एक हाथ लंबा होगा तो शरीर भी काम नहीं करेगा। तो ये कोई केंद्र सरकार, आपको लगता है कि ये बड़ी बात की मुख्यमंत्री ने, बिहार के नीतीश कुमार जी ने, और जिस तरह से बिहार को न सिर्फ गरिमा को आगे उठाने की बात करते हैं बल्कि उन तमाम राज्यों को जिनको ज़रूरत है? नीतीश कुमार जी ने कभी अकेले बिहार के लिए नहीं कहा, ईस्टर्न स्टेट का भी उन्होंने उठाया, उन्होंने झारखंड का उठाया, उन्होंने छत्तीसगढ़ का उठाया, उन्होंने उड़ीसा का उठाया, उन्होंने पश्चिम बंगाल का उठाया। जो राष्ट्रीय औसत आय के दायरे से बाहर जो राज्य रह गए हैं, उन्हीं सभी राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दे करके, स्पेशल कैटेगरी मान करके कि वो वीकर हैं, वो डिप्राइव्ड हैं, उनको उनका हक नहीं मिल पाया है, डिस्पैरिटीज हैं। नहीं तो जिस केंद्र ने इतनी इस बात को समझा और उस पर आगे बढ़े हैं, उसके लिए ज़रूर अब आपकी पार्टी में एक अच्छा माहौल होगा। मैडम, जो ये पैसा हमें दिया जा रहा है ये हम ही से लिया जाता है। जो रेवेन्यू कलेक्शन करता है केंद्र सरकार, वो हमारे ही यहाँ से आता है, उसी का एक हिस्सा हम मांग रहे हैं। ऐसा कुछ लग रहा है कि कुछ जल्दी ऐसा कुछ कहना भी है लोगों का कि कुछ घोषणा हो सकती है कि आप किस तरह से नए संबंध बनाएंगे कांग्रेस से नजदीक। जैसे लैंड एक्विजिशन एक्ट था, उस पर हमने सरकार का समर्थन किया। जो दूसरे ऐसे बिल थे, जो जैसे फूड सिक्योरिटी बिल था, उस पर हमने सपोर्ट किया, लेकिन रिटेल में एफडीआई लाई जाए इसका हमने विरोध किया। और ऐसे जो भी बिल आएंगे उसका हम समर्थन करेंगे, जो एंटी पीपी लेंगे उसका हम विरोध करेंगे। लेकिन एक चीज़ पे हमारी आज प्रतिबद्धता है
कि भारतीय जनता पार्टी और जो उसके अगुवा हैं श्री नरेंद्र मोदी, उनको रोकने के लिए पार्टी प्रतिबद्ध है एंड इट विल गो टू एनी एक्सटेंट टू अपोज श्री नरेंद्र मोदी। अच्छा, तो इसी से जुड़ी बात यह है कि अब जो 30 अक्टूबर को आपका कन्वेंशन होने जा रहा है, सांप्रदायिकता के खिलाफ आप कुछ पार्टियां और लीडर्स एकजुट हो रहे हैं, इसको आप फिर कितनी बड़ी घटना मानते हैं एकजुट होने की? कुछ लोग कह रहे हैं कि ये एक जो है ट्रेलर है थर्ड फ्रंट का। देखिए, समाज में इस समय तनाव है और भाईचारे में कमी आई है, तो वामपंथी दलों के साथियों ने ये सम्मेलन आयोजित किया है और उसकी एक कन्वीनिंग कमेटी बनाई है जिसमें मैं हूँ, सीताराम येचुरी जी हैं और रामगोपाल यादव जी हैं और अमरजीत कौर हैं संचालन के लिए, और उन्होंने सभी गैर कांग्रेसी गैर भाजपाई दलों को आमंत्रित किया है जिसमें जनता दल यू हिस्सा लेगी, जिसमें समाजवादी पार्टी लेगी, सभी वामपंथी दल लेंगे, अन्ना डीएमके उसमें शामिल होगी, बीजेडी उसमें शामिल हो रही है, पीडीपी जम्मू कश्मीर की शामिल हो रही है, उसमें झारखंड विकास मोर्चा ऑफ बाबूलाल मरांडी शामिल हो रहा है, उसमें अपनी सहमति जताई है नागालैंड और सिक्किम के मुख्यमंत्रियों ने। तो ये जन जागरण के लिए है, ये कोई पॉलिटिकल फ्रंट नहीं है कि हम ये तीसरा मोर्चा टाइप को चीज़ बना करके चुनाव ठीक पहले आप इस तरह से साथ आ रहे हैं, तो बहुत कुछ घट चुका होगा जिसके बाद सोच समझ कर आप इस एक प्लेटफॉर्म पर। ऐसा है कि खत्म होता भाईचारा और समाज के बढ़ते हुए तनावों को भ्रष्टाचार और गुड गवर्नेंस, इन मुद्दों पर अगर कुछ दलों की सहमति बन के चुनाव लड़ता तो मुझको कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन इसको तीसरा मोर्चा या चौथा मोर्चे की संज्ञा देना इस आंदोलन के साथ जाति करना है। जब आप कह रहे हैं गैर कांग्रेसी गैर बीजेपी, तो आखिर आप एक तीसरा मोर्चा एक विकल्प की बात कर रहे हैं? विकल्प वैचारिक विकल्प, व्यक्तियों का नहीं कि नरेंद्र मोदी आ जाएंगे या अमुक आ जाएगा देश की तमाम समस्याओं का समाधान हो जाएगा, कोई ऐसी जादू की छड़ी होगी। व्यक्तियों के विकल्प कभी अच्छे नहीं होते, विचारों के विकल्प सदा अच्छे होते हैं। जी, तो इससे जुड़ी बात ही है कि अब जो बिहार में खासकर बात हो रही है कि हुंकार रैली होगी नरेंद्र मोदी जी की, उसको लेकर तमाम बातें हुई, राष्ट्रपति जी तक का नाम आ गया, उनके दौरे की बात हो गई, कैसे आप देखते हैं? लोग ये मान रहे हैं कि भाई इतने दिनों तक आपकी सरकार ने, नीतीश कुमार जी ने उनको नहीं आने दिया उस जमीन पर, अब आएंगे। इस देश में महात्मा गांधी से लेकर के और लास्ट करिश्मेटिक लीडर हुए अटल बिहारी वाजपेयी, लेकिन किसी को होली, गीता, कुरान, बाइबिल की तरह से किसी पार्टी ने ट्रीट नहीं किया। ये पहला मौका है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इसको होली ग्रंथ मान लिया, कोई इसको छुए ना। अगर नरेंद्र मोदी जी की मीटिंग हो रही है उसी दिन, मान लिया राष्ट्रपति का प्रोग्राम जो 3 महीने पहले तय हुआ है, आज तक 47 से लेकर आज तक जो मेरी मेमोरी है, किसी भी पार्टी ने राष्ट्रपति के महामहिम के आदर के खिलाफ जाकर के ये गुहार नहीं लगाई। तो आप इनका प्रोग्राम आप पार्टी के तौर पर मानते हैं कि ये कुछ सुनियोजित बात है? नहीं, वो जो अटल अडवाणी एरा था वो समाप्त हो गया, उसमें असहमति की गुंजाइश थी, उसमें डिफर कर सकते थे आप, उसमें टॉलरेंस थी। ये जो वर्तमान नेतृत्व आया है ना, इसमें सहिष्णुता है ना, इसमें सहनशीलता है, ये तो किसी चीज़ को नहीं मानते। इन्होंने जो अमृत सेन है जिसको श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने हाथ से भारत रत्न से नवाजा, उसने कह दिया नहीं, गुजरात का मॉडल जो है सर्वानुमुखी नहीं है, इस पर भी उन्होंने कहा कि इसका भारत रत्न वापस ले लेना चाहिए। तो इतनी असहिष्णुता किसी पार्टी में, जो पार्टी सरकार बनाने का दावा और वायदा कर रही हो, जो भारत का प्रमुख विपक्षी दल हो, उससे कम से कम बहुत गंभीरता की उम्मीद देश करता है। तो ये जो गैर गंभीरता है उनकी, राष्ट्रपति के पास जाना, उससे गुहार मारना। लोग ये मान रहे हैं कि आप इसको ज्यादा तूल दे रहे हैं क्योंकि आप शायद बिल्कुल नहीं चाहते कि वहां उनकी रैली हो, मोदी जी आए और लोग सुने। किसी कैसे रोक सकता, हमें इंदिरा जी ने जेल में भेजा, हमने उनकी रैली नहीं रोकी, और रैली तो हो रही है धन्ना सेठ पूरे देश का, पूरे देश के बिग बिजनेस को। और मैं कहना चाहता हूँ ऑन रिकॉर्ड आपके चैनल पे, इन्हीं सभी की 10 साल तक श्री मनमोहन सिंह जी की सरकार इन्हीं के एसेट्स बढ़ाती रही, 5 लाख करोड़ रुपए के इन्हीं को अतिरिक्त दिए गए मुनाफे जो वित्तीय मदद के तौर पे दिए गए थे, इन्हीं की मदद कर रहे थे, वो सारे पूंजीपति आज श्री नरेंद्र मोदी को सिंहासन पर बैठाने के लिए लगे हुए हैं। तो आप कह रहे हैं कि वो जो पूरा उद्योग वर्ग है वो कहीं ना कहीं उनके पीछे? सूरत के उद्योगपति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि मैंने 3 लाख साड़ियाँ नमो नमो की, 5 लाख कुर्ते नमो नमो के बिहार और झारखंड की रैली के लिए भेजे हैं। आज तक जवाहरलाल नेहरू से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी तक कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि इतने ऊंचे पैमाने पर पैसा, पर्चा, पोस्टर,
साड़ी, अब साड़ी तो एक बार अटल जी के ज़माने में बांट दी थी उसने टंडन जी ने, वहाँ 20 आदमी भगदड़ में मर गए। भगवान ऐसा कम से कम पटना के गांधी मैदान में ना हो। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। यू आर वॉचिंग द क्वेस्ट एंड वी आर टॉकिंग टू मिस्टर के सी त्यागी। डोंट गो अवे, वी आर कमिंग बैक शॉर्टली। You're watching The Quest and we are talking to Mr. K C Tyagi. बात वहीं आ जाती है आखिर। बात ये हो रही है कि एक पार्टी जहां से हमने बात शुरू की थी, जो मूल्यों की राजनीति, विचारधारा एक अलग लेकर चल रही है और समाज में अच्छा करना चाहती, नीतीश कुमार जी को जैसा आपने खुद कहा, लोग कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री पद के लिए भी देखते रहे हैं, ऐसे में ये पूरी राजनीति अब सिर्फ एक व्यक्ति के नाम पर ही चले और उसके खिलाफ चले, ये एक कैसा माहौल बना? देखिए, इंदिरा जी जब थी, मैंने कहा भाजपा के मित्रों से, लोगों ने इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज कांग्रेस, कांग्रेस इज इंडिया बना दिया था और देश को एमरजेंसी के रूप में उसको ये भुगतना पड़ा। अब मोदी इज बीजेपी, बीजेपी इज मोदी एंड मोदी इज नेशन, ऐसे फिर दोबारा बना दिया। भारतीय जनता पार्टी का इतिहास था भी, इन आरएसएस का मैं आपसे कहना चाहता हूँ नम्रता के साथ, उसके उस दौर में था देश पहले, पार्टी नंबर दो पर, व्यक्ति नंबर तीन पर, संघ का भी ये था। अब है, जब से अहमदाबाद राजनीति की है, व्यक्ति नंबर एक पर, पार्टी नंबर दो पर और देश नंबर तीन पर। और इसको किस तरह से देखेंगे, हालांकि अभी उन्हीं की पार्टी के नेता अमित शाह ने कहा कि नहीं, राम जन्मभूमि, राम टेम्पल इतना बड़ा मसला नहीं होगा, ये कहा उन्होंने, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं, कथनी और करनी में बहुत फर्क है। श्री मुरली मनोहर जोशी जो घोषणा कमेटी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा राम जन्मभूमि का मुद्दा, धारा 370 को हटाना और जबरन यूनिफॉर्म सिविल कोड को थोपना, ये तीन हमारे मुद्दे ना कभी पहले समाप्त हुए थे, ना हैं, ना होंगे, और इन्हीं के, इन तीनों को बांध करके ही अटल, आडवाणी, जॉर्ज, नीतीश और शरद यादव ने ये बनाया था। जब हमें लगा कि उन्होंने सीमा रेखा पार कर दी, चूँकि इन्हीं पर बंधे हुए थे, जॉर्ज साहब कन्वीनर थे, अटल जी आडवाणी जी थे, तो जब वो परंपरा, वो युग, वो सिलसिला ख़त्म हो गया और ये नया सिलसिला चला है, तो ये हमको मंजूर नहीं है। बिहार में हमारी सरकार चल रही थी और हम बता दें आपको, अगर सरकार चलती रहती, हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं थी, हमारे आराम से फिर इतने एमपी जीत करके आते। इसलिए हमने विचार के लिए जोखिम उठाया है और इस जोखिम उठने में एक दो उंगली भी अगर हमारी जलेंगी तो हमें अफसोस नहीं है, क्योंकि विचारधारा के लिए जब जब भी विचार पर संकट हो तो समाजवादी हो, मोदी उनका कहना है कि एक विकास की राजनीति करें, एक ऐसा समाज बनाएंगे जो सबके लिए हो, ऐसी बातें वो कर रहे हैं, कैसे देखते हैं आप उनको और किस तरह से एक धुरी बनना चाह रहे हैं जहां सबको अपने साथ लाना? गुजरात के मॉडल में, बिहार के मॉडल में फर्क है, वहां पे सर्वांगिक विकास हो रहा है, वहां एकांगी विकास हो रहा है। अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को भी वो सुविधाएं जो सरकार के द्वारा मान्यता है वो भी नहीं दी जा रही है। बिहार में पिछले 7 वर्षों में सभी वर्गों के साथ न्याय हुआ, जस्टिस विद ऑल एंड अपीजमेंट ऑफ नन, हमारे समय में सांप्रदायिक तनाव नहीं हुआ है। अब 2002 का दंगा, 1984 का कांग्रेस पार्टी का दंगा, भागलपुर का दंगा, कोई मैं अकेले बीजेपी को नहीं कहता हूँ, सर्वाधिक ब्रूटल और क्रिमिनल दंगे कांग्रेस के राज में भी हुए। 84 में हमने अपनी इन्हीं आँखों से दिल्ली की सड़कों पर सिखों का नरसंहार होते देखा है, हमने भागलपुर में गोधरा से भी ज़्यादा लोगों को मरते देखा है। लेकिन नरेंद्र जी राज अध्यक्ष के नाते अपने उस नैतिक कर्तव्य को निभाने में नाकामयाब रहे जो एक राष्ट्र के प्रमुख या राज्य के प्रमुख की भूमिका होती है, जिसको लेकर अटल बिहारी वाजपेयी ने भी जिक्र। चुनाव से ठीक पहले अब क्या एजेंडा है जनता दल यू का, किस तरह से अब आगे बढ़े? सांप्रदायिक शक्तियों को केंद्र में सत्ता से आने को रोकना, गुड गवर्नेंस होनी चाहिए, भ्रष्टाचार रहित भारत होना चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि वही नीतीश कुमार जो जाने जाते थे कि विकास को बहुत आगे एक पथ पर ले गए हैं, कहीं ना कहीं वो तस्वीर थोड़ी डावाडोल। 6 महीने में जब से भाजपा से अलग हुए, क्योंकि तस्वीर बनाने का बिगाड़ने काम तो उन्हीं के हाथ में, उन्होंने एक आदमी को तो ऐसा ग्लोबल हेड बना दिया है कि ओबामा भी पीछे है और सारा विश्व पीछे, सिर्फ एक ही आदमी है, हियर इज अ मैन हु कैन सेव द डेस्टिनी ऑफ द नेशन, इट इज नॉट द मैन, इट इज द पॉलिसीज, इट इज द प्रोग्राम, इट इज द 120 करोड़ पीपल ऑफ द कंट्री, दे विल चेंज द डेस्टिनी ऑफ द नेशन, नो वन पर्सन। या हम राजनीतिक माहौल की बात करें, या आपकी विचारधारा की बात करें, या परिस्थितियों की बात करें, जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं, कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि वो सब आपकी बातें जो हैं, जो इस समय की सरकार है कांग्रेस, जिसका भी एक एजेंडा बिल्कुल खिलाफ है, न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बल्कि मोदी जी से, वो बिल्कुल आप साथ नजर आ रहे हैं।
फिर कहना चाहूँगी। अगर आप ऐसा चाहती हैं ऐसा हो जाए तो मुझे कहाँ दिक्कत है, ऐसा भी नहीं कहाँ हो रहा है। ऐसा है कि हम गैर कांग्रेसी वातावरण में रहे, अगर ये नेतृत्व भाजपा का हम पे ना थोपा होता हम एनडीए में होते। लेकिन इस नेतृत्व को सत्ता में आने से रोकना भी हमारा मजहब है, धर्म है हमारा। ये हमारे रहते हुए, हमारे राजनीति करते हुए अगर इस तरह की फांसीवादी शक्तियाँ इस सोच के साथ सत्ता में आती हैं तो हमारी जो जिंदगी का बचा हुआ हिस्सा है वो बेकार हो जाएगा। जो वर्तमान परिस्थितियाँ हैं, जैसे वह बिग ऑर्डिनेंस की बात हुई, इस पर आपने बात की, भ्रष्टाचार का मुद्दा है, किस तरह से इन सब के खिलाफ लड़ने के लिए आगे आए बीजेपी? नहीं, अभी तो हम अपने आप को वहाँ पे कंसोलिडेट करने पे लगे हुए हैं, जो पॉलिसी प्रोग्राम पार्टी के थे उनको इम्प्लीमेंट करने पे लगे हुए हैं, और बिहार में हम इस रथ को रोकेंगे। जैसे जिस दिन से हम अलग हुए हैं एनडीए से, एक भी पार्टी इसके पास नहीं आई। इट हैज़ बिकम रियली पॉलिटिकली अनटचेबल। आज अन्ना डीएमके हमारे कार्यक्रम में आ रही है, आज बीजेडी आ रही है, ममता ने इनके साथ जाने से मना कर दिया, जयललिता ने अपॉइंटमेंट नहीं दिया नरेंद्र मोदी जी को। तो जो पॉलिटिक जो कॉन्स्टेंसी है सेकुलरिज्म की वो इतनी लंबी है। जयललिता जी की पार्टी को कैसे देख रहे हैं आप जब उनकी बात की? नहीं, मैं किसी व्यक्ति के बारे में नहीं मैं कहना चाहता, लेकिन जयललिता जी ने बीजेपी के साथ चुनाव लड़ने से मना कर दिया, और दो बार श्री नरेंद्र मोदी चेन्नई गए हैं, उन्होंने अपॉइंटमेंट नहीं दिया मिलने के लिए। मैं आपके इस कार्यक्रम में ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूँ। चलिए, और जिस तरह से जब से लालू जी जेल गए ये कहा जा रहा है कि आरजेडी अपने आप को सशक्त बनाने की कोशिश कर रही है, बिहार की राजनीति अब कैसे देखते हैं? देखिए, लालू जी की जो गैर हाजिरी है वो आरजेडी के लिए बहुत बड़ा लॉस है। वो हमसे अलग थे लेकिन उनका राजनीति करने का एक आक्रामक अंदाज था। अब जैसे नरेंद्र मोदी आ रहे हैं तो पता नहीं कितने लटके झटकों के साथ वो आक्रामक तरीके से अपनी बात करते। आरजेडी की जो तीखापन है वो ख़त्म हो गया। अब बिहार के अंदर सिर्फ और सिर्फ जनता दल यूनाइटेड है जी। और उसके वहाँ पर नेता नीतीश कुमार है जो श्री नरेंद्र मोदी के रथ को पकड़ने का काम करेंगे। इसलिए आने वाले समय में इट विल बी नीतीश कुमार वर्सेस नरेंद्र मोदी। 30 अक्टूबर की तैयारी कितनी, अब जबकि हम अपना शो खत्म करने वाले हैं, 30 अक्टूबर पर कितना ज़्यादा आपका हौसला? 30 अक्टूबर से हम उन मुद्दों को देश की राजनीति की मुख्यधारा का मुद्दा बनाने का प्रयास करेंगे कि जो समाज के अंदर टूटते हुए भाई भाई के रिश्ते हैं, जो खत्म होता हुआ भाईचारा है, जिससे भारत की एकता और अखंडता को भी अक्षुण रखने में दिक्कत महसूस होती है। तो महात्मा गांधी का जो सपना था हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब प्यार मोहब्बत से रहें, उसी के लिए एक हमारा प्रयास भी कर रहे हैं कि कितनी पार्टियां एक साथ उस समय आती। नहीं, वो हमारा एजेंडा नहीं, ये विचार कितना जमीन पकड़ता है ये हमारा एजेंडा है, ये विचार कितने घर घर जाता है वो हमारा एजेंडा है। कितने लोग आते हैं, व्यक्ति तो आते हैं चले जाते हैं, लेकिन विचार जो है जमीन में अगर गढ़ जाता है तो फिर सब जगह प्रस्फुटित होता है। इसलिए भाईचारा कामयाब हो, इसके लिए थोड़ा बहुत नुकसान भी हमें हो जाए तो हमें चिंता नहीं, लेकिन भाईचारा ये किस नुकसान के आप बार 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 कोई भी पॉलिटिकल नुकसान जिसकी जिसके जिसको लेकर के आप तैयार हैं वो नुकसान भी हमें कोई चिंता नहीं। चलिए, विचार तो बड़ा होता है, व्यक्ति छोटा होता है। आगे का जैसे ही हम शो खत्म कर रहे हैं, कोई ऐसा संदेश आपकी पार्टी की तरफ से कोई बात कहना चाहते हैं? नहीं, हमारी पार्टी गांधी लोहिया जयप्रकाश चरण सिंह कर्पूरी ठाकुर के सपनों की पार्टी रही है। जो मेहनत कश लोग हैं उनको उनकी मेहनत का वाजिब हक मिले, जो पसीना वाले बहाने वाले हैं उनकी राजनीति को पसीना सुखाने वाले लोग उनकी राजनीति पर हावी ना हों, और भाईचारा जिसके लिए भगत सिंह से लेकर के अशफाक तक सब लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी थी वो कुर्बानियां बेकार ना जाएं, और एक ऐसा भारत बने जिसमें सब वर्गों के सभी जाति धर्मों के लोग गर्व के साथ कह सकें हम हिंदुस्तानी। चलिए, बहुत बड़ी और बहुत उम्दा बातें आपने की हैं, बहुत शुक्रिया हमारे शो में आने के लिए। एंड वी वर टॉकिंग टू मिस्टर के सी त्यागी, ऑफ कोर्स ही इज आल्सो द स्पोक्स पर्सन फॉर द जेडीयू एंड ही टॉक्ड अ लॉट अबाउट ऑल द इश्यूज कंसर्न्ड। होप यू लाइक दिस एडिशन ऑफ द क्वेस्ट। थैंक यू, नमस्कार एंड बाय बाय।